पश्चिम बंगाल के पुलिया में तीन साधुओं को पीटे जाने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार 11 जनवरी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले तीनों साधु मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। भीड़ ने साधुओं को पीटा और गाड़ी पलट दी। घटना पर बंगाल भाजपा ने एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी को इस चुप्पी पर शर्मानी चाहिए। क्या आप हिंदू साधुओं को समझ पाने में सक्षम नहीं है? हम इस अत्याचार आपकी जवाबदेही की मांग करते हैं। हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया, इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टिकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 13 जनवरी से बिहार से 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। एक न्यूज एजेंसी ने भाजपा सूत्रों के हवाले से बताया था कि 13 जनवरी को पीएम चंपारण के बेतिया में रैली करेंगे। वे रमन मैदान में एक जनसभा भी करेंगे, फिर झारखंड के धनबाद भी जा सकते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज सर्दी बनी हुई है। दिल्ली में शनिवार को इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। मिनिमम टेम्परेचर गिरकर 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कोहरे की वजह से दिल्ली से चलने वाली यहां वहां पहुंचने वाली 18 ट्रेन 1 से 6 घंटे की देरी से चल रही है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से समन भेजा है। जांच एजेंसी ने उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम केजरीवाल को ईडी का यह चौथा समन भेजा है। इससे पहले उन्हें 3 जनवरी और पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। तीनों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आज यानी 13 जनवरी को वर्चुअल बैठक बुलाई है। इसमें सीट बंटवारे पर रणनीति और गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हो सकती है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव और तेजस्वी यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं।